चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन को इस व्हाइट बोर्ड के हेल्प से। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दो डायग्राम बनाया था कल, एक था बाहरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक एंड ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक, दोनों को समझाने के लिए अच्छे तरीके से ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए सब कुछ बिना किसी डाउट के। देखिए फ्रेंड्स जहाँ तक मैंने आपको कल बताया था ये हमारा एसोफेगस है, एसोफेगस ये हमारा फंडस पार्ट है, ये जो देख रहे हैं टॉप पार्ट होता है स्टोमक का, और ये हमारा कार्डियक रीजन है इसलिए कार्डियक रीजन यहाँ पर दिख करते हैं, और ये कार्डियक स्प्रिंजर देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कार्डियक स्प्रिंजर है राइट। और उसके बाद देखिए फिर ये बहुत सारे लेयर्स यानी मसल्स में डिवाइड होना शुरू रहता है। पहला है आपका मस्कुलरिस लॉन्गिट्यूडिनल मसल, पहला पार्ट। दूसरा है आपका सर्कुलर मस्कुलर मसल्स, ओके। दूसरा क्या है सर्कुलर मसल। तीसरा ऑब्लिक मसल, और चौथा आपका मुकोसा, एंड एक और आता है सब मुकोसा। देख लीजिए यहाँ हम इसको डिवाइड करते हुए सबको दिखा भी दिए, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, एक इधर होता है सब मुकोसा, वही देखिए यहाँ पे रब ऑफ म्यूकस यानी यहाँ पे म्यूकस का सिक्रेशन होता है इस एरिया में। और देखिए उसके बाद ये पाइलोरिक एक्टम है, पाइलोरिक के नाम ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, जहाँ पे जो खाना डाइजेस्ट होता है मतलब कन्वर्ट हो गया हो रहता है काइन में, वो पाइलोरिक स्पिंचर के थ्रू जाता है ड्यूडेनम में जो कि फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहाँ पर भी कुछ फूड्स का न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन होता है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ तक तो आप समझ गए इसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, और कुछ देखिए यहाँ पर नोट्स है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है वो आपको राइट डाउन कर लीजिए कॉपी में। आवर स्टमक वॉज डिवाइडेड इंटू फाइव लेयर्स, पहला सिरोसा, सिरोसा यही इधर फंडस का पर्दर होता है। दूसरा मस्कुलरिस लॉन्गिट्यूडिनल मसल, तीसरा सर्कुलर मसल, चौथा ऑब्लिक मसल, चौथा पांचवा उसको मुकोशा एंड सब मुकोशा, ओके फाइन फाइन फ्रेंड्स। अब और कुछ यहाँ पर भी है, यहाँ पे फ्रेंड्स देयर आर टू इंड्स पॉइंट इन स्टोमक, पहला आपका कार्डियक स्पिंचर, दूसरा आपका पैरोटिक स्पिंचर यहाँ पर है, कार्डियक स्पिंचर वो जो इंड पॉइंट है स्टोमक एसोफेगस का, जो इंड पॉइंट है एसोफेगस का, और ये पैरोटिक स्पिंचर कौन सा है जो कि इंड पॉइंट किसका है स्टोमक का राइट। इसके कार्डियक स्पिंचर से फूड अंदर या बाहर जा सकता है स्टोमक का, और इसके और पैरोटिक स्पिंचर के हाथ से कोई फूड इंटेस्टाइन में जा सकता है और आ सकता है, इंटेस्टाइन जा सकता है वापस स्टोमक में आ सकता है। फाइन फ्रेंड्स यहाँ देखिए दो एक कार्डियक एक पाइलोरिक स्पिंचर राइट डाउन कर लीजिए। और देर एक और फ्रेंड्स यहाँ पर देर आर फोर पार्ट्स ऑफ स्टोमक, पहला कार्डियक रीजन, दूसरा फंडस, तीसरा बॉडी, चौथा पाइलोरस, ओके इसको राइट डाउन कर लीजिए। और फ्रेंड्स यहाँ तक हम लोग का स्ट्रक्चर कम्प्लीट हो गया कि कैसा क्या क्या स्ट्रक्चर है स्टोमक का, और कौन सा पार्ट का क्या नाम है और कौन से पार्ट